तो अब आपको दिखाते हैं भाई, मतलब अंदर फ्रंट साइड से क्या है। अभी लेते हैं टिकट। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये ऐसे ही जा रहे थे, भाई ऐसे ही नहीं जा रहे थे, एक्चुअली वहाँ का जो दिखाना ज़रूरी है। तो अभी आपको अंदर का दिखाते हैं। हेलो सर, सर टिकट चाहिए थी। ओके सर, थैंक यू। चलिए भाई, हमने टिकट ले लिया है, अभी चलते हैं। फोर टिकट जी मैम। अच्छा, कैमरा नहीं यूज़ कर सकते? ठीक है, ओके। एक्चुअली मैम बोल रहे थे ना कि गोप्रो नहीं लेके जा सकते। अभी दोबारा से शूट करते हैं भाई, देखते हैं अगर कोई रोकता है तो रुक जाएंगे, नहीं तो फिर आईफोन तो है ये। तो अगर आप कैमरा लेके जा रहे हो, फ़ोन में कैमरा है, सबको पता है, बट आपको कोई नहीं बोलेगा। बट अगर कैमरा लेके आए तो फिर आपको सब बोलेंगे तो भाई कैमरा क्यों लेके आ रहे हो। गाइस ये देखो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं पूरा। लाइफ होती है ना, मतलब जो बचपना होता है ना, वो इंसान के साथ हमेशा ज़िंदा रहता है। ये है ना कि काश हम भी कर सकते हैं ना ये। बाकी आपको दिखाते हैं भाई ऑप्टिकल्स, मतलब मैंने लाइफ में बहुत किया है भाई, ये आपको दिखा रहा हूँ। ये तो नॉर्मल है, ये काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे होता है, इसको बोलते हैं टायर ऑप्टिकल। ये सब आर्मी वालों का है, बट यहाँ पर मतलब इंडियन आर्मी के तरफ से लगाया गया है, नॉर्मल लोग भी शायद कर सकते हैं इसको। ये भी एक ऑप्टिकल ही है, कुछ अलग ही लेवल पे होता है, करने को तो कोई भी कर सकता है यहाँ पे शायद। मतलब कभी देखा नहीं है किसी को करते हुए, बट शायद अगर लगा रखा है तो कोई भी कर सकता होगा। रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इसका मतलब शायद चलता नहीं होगा ये, बट भाई ये एक तरह का रिस्की चीज़ है, तो इसको नॉर्मल हम नहीं मान सकते हैं। तो ऐसे टूटे हुए पे तो कौन चढ़ेगा यार। पर ये एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो रोप है ना, ये जो देख रहे हो आप, तो ये रोप बहुत अच्छा होता है, मजबूत होता है, तभी इसको कर सकते हैं हम। आर्मी कर रही है तो भाई किसी चीज़ के लिए कर रही है, क्योंकि ऑप्टिकल्स बहुत सारे होते हैं लड़ाई के मैदान में या कहीं भी होते हैं, तो आपको पार करके कहीं ना कहीं पहुँचना है, तो वो चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे एक मतलब खेल के तौर पे बना रखा है कि हाँ बच्चे खेलते हैं तो नॉर्मल लोग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बना रखा है। क्योंकि आर्मी को तो यार पूरा इंडिया प्यार करते हैं ना, तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो करना तो हमें अच्छा लगता है। और ये भी मज़े ले रहे हैं भाई यहाँ पे। ये रास्ता है मोटर बोट के लिए, इसीलिए तो कुछ और ही करते हैं। ये सबसे पहले स्टार्ट होते हैं झारखंड गवर्नमेंट का है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ है। टूल थोड़ा अलग है ना, शायद टूट गया था ये लगा। लॉकडाउन के बाद जब थोड़ा बहुत खुल गया था ना इंडिया, तो उसके बाद भी ये सब बंद था। तो हम उस टाइम पे क्या होता था ना, उस टाइम पे भी हम मतलब ये तो बंद था, बट उस साइड से चढ़ के आ जाते थे हम लोग, मतलब एक साइड से रास्ता बना रखा था।
अब निकलने के टाइम पे वो मैम फिर शायद बोलेंगे, तो देख रहे हो ये मतलब क्या क्या कलाकारी करता है इंडिया ना। फाइनली भाई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मैम नहीं मिलेंगे हमें क्योंकि एग्जिट के टाइम पे कोई मतलब वो वाली मैम नहीं है, बाकी तो देखते हैं ये अभी बोलते हैं कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी चलो जो भी है यार, बाकी देखते हैं आगे, अंधेरा काफ़ी होने वाला, अभी हुआ नहीं भाई, होने वाला है थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। भाई यहाँ पे एक चीज़ देखने को, अगर आप आओगे ना तो लगेगा कि यहाँ पे ना कार्स का इतना शौक नहीं है लोगों को जितना बाइक्स का शौक है। मतलब बाइक तो लेंगे भाई, मतलब तीन तीन चार चार लाख की बाइक खरीद लेंगे, बट गाड़ियों पे इतना शौक नहीं है। अगर गाड़ियों में मिलेंगे तो यही मिलेंगे आपको भाई, स्कॉर्पियो हो गया, तो मतलब कि दबंगों वाला जो होता ना तो वो ज़्यादा शौक है इनको, तो ये मतलब कार्स का वैसे शौक नहीं है। जैसे हमारे नॉर्थ साइड में तो लोग ज़्यादा गाड़ियों को प्रेफर करते हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। और बाकी भाई बहुत मतलब हेल्पफुल हैं लोग, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। झारखंड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो अगर झारखंड में आप आते हो ना तो सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि झारखंड में भाई अपनी आर्मी इतनी है। रात बहुत हो गई थी और वीडियो एडिट कर रहा था भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब नमस्कार, छोटों को प्यार, बड़ों को सत श्री अकाल।